नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर के 5 अगस्त को भूमि पूजन की हो रही तैयारियों के बीच मस्जिद निर्माण के लिए भी बुधवार को ट्रस्ट का गठन कर दिया गया। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के संस्थापक ट्रस्टी बना है, इस ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे। मस्जिद निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट का नाम होगा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। फिलहाल ट्रस्ट में शामिल 9 सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया गया। मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या के धन्नीपुर गांव में आवंटित की गई 5 एकड़ जमीन, मस्जिद इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर लाइब्रेरी और अस्पताल का निर्माण करवाया जाएगा। राफेल के आने पर पीएम ने संसद में किया ट्वीट, कहा राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन है, इस मौके पर राम की नगरी अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए लक्ष्मण की नगरी लखनऊ से भी मिट्टी रवाना की गई। भारतीय वायुसेना की शक्ति में बड़ी बढ़ोतरी, फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 5 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय जमीन पर पहुंचे, हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर राफेल विमान लैंड हुए। राफेल का स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया, इस दौरान वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया मौजूद रहे। फ्रांस से मिलने वाले राफेल विमान की पहली खेप है, इन विमानों ने मंगलवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी जिसके बाद यूएई में रुके और बुधवार दोपहर को अंबाला एयरबेस पर पहुंचे। संजीत अपहरण हत्याकांड मामला, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेसी, कांग्रेसियों ने मृतक संजीत की बहन से बंधवाई राखी, कांग्रेसियों ने इंसाफ का दिलाया भरोसा। बिजनौर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, कुत्ता खरीदने को लेकर हुआ विवाद, घटना के बाद 2 पक्ष के लोग फरार। देवरिया में प्रशासन के नाक के नीचे बच्चे पुल के ऊपर से नाले में छलांग लगाते हुए नजर आए, ये पूरी तस्वीर इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि कई फीट ऊपर से एक के बाद एक युवक नदी में छलांग लगाते हुए नजर आए। ग्रेटर नोएडा में बियर के गोदाम पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की है, इस दौरान 1350 पेटी विदेशी बियर को बरामद किया गया है। विक्रेता के पास कोई लेखा जोखा नहीं मिला, मौके से कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई बियर की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ बताई गई। पंजाब में नशे के कारोबार का आगरा का कनेक्शन है, नशे की दवाइयों की तस्करी करने वाले आगरा गैंग के सरगना जितेंद्र अरोड़ा उर्फ विक्की के कमला नगर स्थित गोदाम पे पंजाब पुलिस ने छापा मारा, जांच में नशे की दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। पंजाब पुलिस ने विक्की अरोड़ा के घर से तकरीबन नशे के 1,20,000 टैबलेट्स को बरामद किया है, इनको जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा बुखार, खांसी, दर्द निवारक और एंटीबायोटिक समेत दवाइयों का बड़ा जखीरा मिला। कानपुर में कानून व्यवस्था को लेकर के सपा का प्रदर्शन, सपा कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसीएम को सौंपा ज्ञापन। कानपुर में संजीत अपहरण हत्याकांड का मामला, संजीत के परिजनों से मिले विधायक, विधायक सुरेंद्र मैथानी ने परिजनों से की मुलाकात, विधायक ने परिजनों को दी सांत्वना। लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, जीपीओ के पास महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन, प्रदेश कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को लिया हिरासत में। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा खत, यूपी में फैले संक्रमण को लेकर सीएम को लिखा खत, कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने पर साधा निशाना। कानपुर में संजीत यादव अपहरण और हत्या का मामला, 3 आरोपियों से पूछताछ में जुटे पुलिस, बर्रा थाने में हो रही है तीनों से पूछताछ, पुलिस ने तीनों को लिया कस्टडी। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होगा, मंदिर शिलान्यास को लेकर के अयोध्या में तैयारियां शुरू हो गई। मंदिर के भूमि पूजन में देश के प्रमुख जगहों से पवित्र नदी का जल और मिट्टी भिखो भेजा जा रहा है, महादेव की नगरी काशी से राम मंदिर भूमि पूजन के लिए गंगा जल और मिट्टी की बजाय काशी विश्वनाथ का चंदन और चांदी का बेलपत्र भेजा जाएगा। 5 अगस्त को बाबा विश्वनाथ खुद अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन के साक्षी बनेंगे, बाबा विश्वनाथ पर चढ़ा चांदी का बेलपत्र से मंदिर का शिलान्यास होगा तो बाबा विश्वनाथ का चंदन उपस्थित गणमान्य लोगों के माथे की शोभा बढ़ाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट करके लोगों से की अपील, अयोध्या पहुंचने के लिए ना व्यग्र हो, सभी लोग अपने घर में दूरदर्शन पर देखें भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पैतृक गांव जनपद चंदौली में अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां पर लोगों ने पोस्टर बैनर के साथ राफेल का स्वागत किया।
लोगों ने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जिले के सांसद को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। जिले के मिनी महानगर दीनदयाल उपाध्याय नगर में लोग इकट्ठा हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लड़ाकू विमान राफेल को लेकर भारत माता जय के नारे लगाए। 5 लड़ाकू राफेल विमान के दल में बलिया का भी एक जाबाज विंग कमांडर मनीष सिंह शामिल है। मनीष के राफेल उड़ाकर भारत लाए जाने से बकवा गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गाजियाबाद कॉलोनी बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने बकरीद को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि कुर्बानी देना राष्ट्रद्रोह में आता है, इसलिए कुर्बानी नहीं देने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग इसको राजनीतिक बना रहे हैं, उन्हें खाड़ी देश से धमकी भी मिली। बुलंदशहर में पुलिस ने कोरोना के चलते बंद सरकारी स्कूलों से सोलर प्लेट और पंखे चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 चोरों को पकड़कर 18 सोलर प्लेट और आधा दर्जन से अधिक पंखों सहित लाखों का माल बरामद किया। नेपाल से निकलने वाली राप्ती नदी का कहर श्रावस्ती में जारी है। जिले में बीचों बीच बह रही राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से तेजी से कटान हो रही है। पहाड़ों पर लगातार बरसात के चलते बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। कई गांव में तेजी से राप्ती नदी कटान कर रही है, लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज परिसर में भरा पानी, तीमारदार डॉक्टर मरीज अब पानी निकालने को मजबूर। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें। मुजफ्फरनगर में तेल के टैंकर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश में जुटा फायर ब्रिगेड। एटा में दंपत्ति का पेड़ से लटकता मिला शव, दोनों का 5 महीने पहले हुआ था विवाह। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी बाघों की संख्या, टाइगर रिजर्व में बाघ की संख्या बढ़कर हुई 65 है। जंगलों में फल फूल रहे हैं, बाघों का कुनबा वन्य जीव प्रेमियों और सरकार के लिए अच्छी खबर। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज बस अनियंत्रित होकर नाले में गिरी, हादसे में 11 यात्री गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फैजाबाद से बहराइच आ रही थी बस। संत कबीरनगर जिले में यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौ संरक्षण केंद्र दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। संत कबीरनगर जिले के सिमरियामा ब्लॉक के जिगना गांव में लाखों की लागत से बनी गौशाला इन दिनों गौशाला में रहने वाले पशुओं के लिए मौतशाला साबित हो रही है। गौशाला में चारा और सेवा न मिलने के कारण आधा दर्जन से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। तो वहीं इतना ही नहीं, मौत के बाद पशुओं का शव यहीं सड़ता रहता है। कई दिनों से पशुओं के शवों से दुर्गंध आती रहती है, लेकिन इन शवों को कोई उठाने वाला नहीं। संभल में यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। जिले के चंदौसी रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं एक सिपाही भी गोली लगने की वजह से घायल। बरेली में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पूरा मामला बारादरी थाना इलाके का है, जहां पर वेदा होटल में देह व्यापार का धंधा फलफूल रहा था। पुलिस ने छापा मारकर मौके से 9 लड़कियों और 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। युवतियां पश्चिम बंगाल सहित कई दूसरे इलाकों से यहां लाई गई। आगरा के अकबरपुर थाना इलाके में सरकारी स्कूल के पीछे बनी झोपड़ी में आग लग गई। ग्रामीणों ने जब आग बुझाने की कोशिश की तो ग्रामीणों को पता चला कि उस झोपड़ी में एक व्यक्ति का जला हुआ शव पड़ा मिला। ग्रामीणों ने आनंद फानंद में इसकी जानकारी पुलिस को दी और झोपड़ी में लगी आग को बुझाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त ग्राम प्रधान के रूप में हुई है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली इलाके में प्रेमी युगल की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं पर पड़ी मिली है। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने पुलिस को उसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को कुएं से बाहर निकलवाया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस चौकी के में लेंटर का आधा हिस्सा गिर गया। हादसे में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी, चौकी में लगता सारा सामान क्षतिग्रस्त। अमरोहा में दोस्त नहीं की दोस्त की हत्या, रस्सी से गला दबाकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। स्कूल में दोनों के बीच हुई थी बहस, बदला लेने के लिए आरोपी ने की हत्या। हाथरस में 3 साल की मासूम के साथ रेप, नाबालिग ने रेप की वारदात को दिया अंजाम। ट्रॉफी का लालच देकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत। नोएडा में मौसम हुआ सुहावना, कई इलाकों में झमाझम बारिश, बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मेरठ के टीपी नगर में हुआ डबल मर्डर के आरोपी रोहित से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी रोहित घायल हो गया। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर इलाके में गैस एजेंसी संचालक से लूट की वारदात सामने आई। बाइक सवार 4 बदमाशों ने स्कूटी सवार एजेंसी मालिक से 2,00,000 रुपए की लूट। वहीं इस घटना को अंजाम देकर वो बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। घटना को अंजाम देकर के बदमाश फरार हुए, पुलिस लुटेरों के तलाश में जुटी।
बिजनौर के थाना धामपुर के पाडली मांडू इलाके में मामूली विवाद में दबंग ने गोली चला दी। गोलीबारी में एक युवक की मौत। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के मड़ई गांव में पिकनिक मनाने गए युवक की डैम में डूबकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बाहर निकाला और अस्पताल ले गई। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के नरौली गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से हाई वोल्टेज तार की चपेट में आई पति पत्नी की मौत हो गई। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के मरीजों की संख्या 15,32,135 हो गई है। कोरोना से अब तक 34,224 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के एक्टिव केस 5,08,718 हैं, जबकि 9,88,770 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 73,951 हो गई है। कोरोना से अब तक 1,497 लोगों की मौत हुई। यूपी में एक्टिव केस 27,934 हैं, जबकि 44,520 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 1,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अभी तक पूरे प्रदेश में 19,00,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 6,587 हो गया है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 70 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में अब तक 3,720 मरीज ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड में अब 2,759 एक्टिव केस बचे। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में अब धीरे धीरे कमी आ रही है। दिल्ली में अब एक्टिव केस 10,888 बचे। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 3,91,440 हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 14,165 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 1,44,694 एक्टिव केस हैं, जबकि यहां पर 2,32,277 लोग अब ठीक होकर घर लौट चुके हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। कुल 30 प्रस्तावों पर हुई चर्चा, एक पर कमेटी का गठन। श्रम विभाग में भी कई संशोधन। भारत सरकार की अनुमति से किए गए संशोधन। राजस्व क्षेत्र निरीक्षक के 166 पदों का पुनरीक्षण। मुख्यमंत्री युवा पेशेवर नीति, कैबिनेट ने किया बदलाव। 15,000 से बढ़ाकर 35,000 महीना किया गया मानदेय। राज्य अधीन सेवा में प्रमोशन छोड़ने वालों को लेकर फैसला, लिखित में देना होगा प्रमोशन न लेने का कारण। अनुसूचित जाति के छात्रों को लेकर बनाई गई कमेटी। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित। हाईस्कूल में 76.91% छात्र हुए पास। इंटरमीडिएट में 80.26% छात्र हुए पास। हाईस्कूल इंटरमीडिएट में लड़कियों ने मारी बाजी। हाईस्कूल में टिहरी के गौरव सकलोनी ने किया टॉप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने कोरोना के संकट काल में आम आदमी के साथ ही गरीब के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई योजनाओं को राज्य स्तर पर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्रियों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत टिहरी श्रीनगर गौचर हेली सेवा शुरू। सीएम त्रिवेंद्र और नागरिक उड्डयन मंत्री ने किया शुभारंभ। कई नेताओं ने हेली सेवा शुरू होने पर की हवाई यात्रा। काशीपुर लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटा गया माल भी पुलिस ने किया बरामद। पकड़े गए बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने पिछले 8 माह से फरार चल रहे 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गौ तस्करों में आरोपी अब्दुल रहमान, वाजिद और जुबैर शामिल हैं, जो जोरासी गांव के निवासी। कोतवाल में युवक ने कमरे में लगाई फांसी। आनंद फानंद में युवक को लाया गया अस्पताल। डॉक्टरों ने युवक को मृत किया घोषित। पबजी खेलने के दौरान आत्महत्या की आशंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार शहर में ध्वस्त पड़ी सफाई व्यवस्था और जगह जगह बरसात के कारण सड़ रहे कूड़े और गंदगी के खिलाफ ब्रह्मपुरी कॉलोनी में प्रदर्शन किया। भाजपा के जिला महामंत्री विकास तिवारी ने कहा कि जब से हरिद्वार नगर निगम में कांग्रेस की महापौर बनी है, तब से पूरे शहर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर से उधम सिंह नगर के छात्रों ने परचम लहराया। हाईस्कूल में द्वितीय स्थान पर काशीपुर के जिज्ञासा ने 97.8% अंक प्राप्त करके टॉप किया। वहीं जसपुर के ब्यूटी बंसल ने 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करके 96.6% अंक प्राप्त किए। एक बार फिर से जिले के हुनारों ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके जिले का नाम रोशन किया। हरिद्वार में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश। हरिद्वार देहरादून को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे संख्या 58 में आई दरार। जल रिसाव के कारण बैठा पुल का अगला हिस्सा खतरे को देखते हुए रास्ते को वन वे किया गया।
मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के सर्वेंट क्वार्टर में अचानक एक सिलेंडर लीक होने के बाद सिलेंडर में लगे रेगुलेटर फटने से धमाका हो गया। घर में और आसपास के रहने वाले 4 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को फायर सर्विस और पुलिस की मदद से लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां से 3 की हालत को गंभीर देखते हुए उनको देहरादून मैक्स अस्पताल के लिए रेफर किया गया। रामनगर में मॉर्निंग वॉक करने वालों के ऊपर गुलदार का साया मंडरा रहा है। एक महिला पर हमला करके तेंदुआ उसका कुत्ता छीनकर ले जाने लगा। लोगों ने किसी तरह से महिला और उसके कुत्ते की जान बचाई। रामनगर के लोग सुबह कोसी नदी के पुल पर घूमने जाते हैं, लेकिन वहां इन दिनों एक गुलदार ने अपनी दस्तक दी हुई है। आसान शिकार की तलाश में गुलदार घूम रहा है। कई दिनों से इसके दस्तक से लोग काफी डरे सहमे हैं। गुलदार ने एक पालतू कुत्ते को निवाला बनाने की मंशा से महिला से उसका पालतू कुत्ता छीनने के लिए हमला कर दिया। किसी तरह से लोगों ने महिला और उस कुत्ते की जान बचाई। हमले में महिला और कुत्ता दोनों घायल हो गए। वन विभाग ने अपनी गश्ती टीम को अब यहां पर तैनात किया है और अकेले और अंधेरे में वहां पर न जाने की सलाह भी दी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। चैप्टर 2 में अधीरा का लुक रिलीज हो गया है। फिल्म KGF चैप्टर 2 के दूसरे पार्ट में एक्टर संजय दत्त अधीरा का किरदार निभाएंगे। फिल्म में संजय दत्त का लुक काफी खतरनाक लग रहा है। सारा अली खान का एक थ्रूबैक डांस वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में सारा अली अपने सुपरहिट गानों को शानदार अंदाज में डांस परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या की कोरोना रिपोर्ट जैसे ही निगेटिव आई उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ऐश्वर्या ने अपने सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए प्रार्थनाएं की, इसके लिए धन्यवाद किया। नेहा कक्कड़ का एक वीडियो यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नेहा कक्कड़ कुर्ता पजामा सॉन्ग पर अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ जबरदस्त डांस करते हुए नजर आए। धर्मेंद्र को उनके अरबी फैन ने उनके लिए एक खूबसूरत स्केच बनाया है। इस स्केच को देखकर धर्मेंद्र काफी खुश हुए। उन्होंने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। रणवीर सिंह और इलियाना डिक्रूज का एक थ्रूबैक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में रणवीर सिंह फिल्म मुबारक के सॉन्ग बॉयफ्रेंड बना ले पर इलियाना डिक्रूज के साथ डांस परफॉर्मेंस करते हुए नजर। एक्ट्रेस कुमकुम का दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन हो गया। वो 86 साल की थी। कुमकुम ने अपने करियर में लगभग 115 फिल्मों में काम किया, जिसमें मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया, वो हिनूर जैसी फिल्में शामिल हैं।